ओम शांति। हम सभी स्मृति स्वरूप होकर अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएं। बाबा ने आकर हमें भिन्न भिन्न स्मृतियां दिलाई हैं और जगा दिया है हमारी चेतना को, जगा दिया है हमारी इनर फीलिंग्स को। जरा याद करें, बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। जड़ों के द्वारा ही हम सब जानते हैं, जड़ों के द्वारा ही वृक्ष को भोजन पानी सब कुछ जाता है। हम जड़े हैं, हमारे द्वारा ही पूरे कल्प वृक्ष को शक्तियां जाती हैं। हमारे संकल्पों की एनर्जी पूरे कल्प वृक्ष में फैलती है। जरा अपना एक चित्र बनाएं, एक विजन बनाएं। मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है और मेरी जो भी स्थिति है, मेरे जो भी संकल्प हैं, अथवा मेरी जैसी प्योरिटी है और योग है, उस सब के वाइब्रेशंस इस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं, एक एक शाखा को जाते हैं। और अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो ये निगेटिव एनर्जी भी ऐसे ही संपूर्ण कल्प वृक्ष में फैल जाती है। हमारी प्योरिटी की पावर सभी आत्माओं को सत्य कर्म करने का बल देती है, उन्हें निष्पाप बनाती है। तो हम में से बहुत सारी आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़े हैं और बाकी सारा सूर्य वंश और चंद्र वंश कल्प वृक्ष का तना है। तो हमें अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारी स्थिति साधारण रूप से न बीते। हमें महान कर्तव्य करने हैं, हमारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है, इसलिए इस स्मृति में सदा रहना है कि मैं एक जिम्मेदार आत्मा हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। इसलिए न तो मेरे अंदर अलबेलापन होना चाहिए, न व्यर्थ और साधारण विचारों में जाने का एक नेचुरल संस्कार। हम अपने विचारों को महान बनाएं, अपने कार्यों को महान बनाएं। जितने विचार महान होंगे उतना ही हमारा जीवन महान होगा, हमारी स्थिति महान होगी। और विचार करें, जड़ें हमेशा अंडरग्राउंड होती हैं, मिट्टी में होती हैं, और महिमा होती है फूलों की और फलों की, पर महत्व सारा है जड़ों का। आकर्षण होता है फूलों की तरफ, फलों की तरफ। हम भी जड़े हैं, हम अंडरग्राउंड हैं। हमें अपनी महिमा की कामना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ों की महिमा नहीं होती है। जड़ें तो स्तंभ होती हैं, जो पूरे वृक्ष का सहारा होती हैं। जड़ें अगर बाहर निकलने लगें किसी पौधे की, तो लोग उन्हें काट डालते हैं, उनकी दवाई बना लेते हैं, और इससे पेड़ कमजोर हो सकता है। हम मान शान की इच्छा से परे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहें और याद रखें, हमें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करेंगे। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूँ, जड़ों में हूँ, बिल्कुल जड़ हूँ मैं, और मेरे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष को भोजन जाता है। और बीच बीच में ये विजन बनाएंगे कि मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है और मेरी योग की तरंगे, मेरी आत्मा की शक्तियां, पवित्र मन के पवित्र वाइब्रेशंस जैसे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं।
बहुत सुंदर अनुभूति होगी, इससे नेचुरल रूप से सेवा होती रहेगी। हर घंटे में एक बार अपने सिर के ऊपर इस कल्प वृक्ष को निहारें और पूरे कल्प वृक्ष को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते रहें। ओम शांति।